नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। एसडीएम ज्योति मौर्य विवाद में नया मोड़ आ गया है। इसमें फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को नौकरी से सस्पेंड किया जाने का फरमान सामने आया है। उनके सस्पेंशन की तैयारी चल रही है, जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि डीजी होमगार्ड विजय कुमार की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी मनीष दुबे पर कार्रवाई की संतुति दे दी है। मनीष दुबे पर सस्पेंशन और विभागीय जांच की संतुति दी गई है। आपको बता दें, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे से उनकी पत्नी के अवैध संबंध है। प्रमुख सचिव होमगार्ड को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। बता दें कि महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर जल्द ही अब सस्पेंशन और विभागीय जांच की कार्रवाई हो सकती है। यूपी पीसीए अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर उनकी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी और 2015 में ज्योति एसडीएम पद के लिए चयनित हुई थी। ज्योति और आलोक के दो जुड़वा बेटियां हैं। अब आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और वो मामले को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि तलाक से जुड़ा दोनों का मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।